नमस्कार, आप देख रहे हैं नित नवनीता और मैं गोविंद कुमार। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जो बाढ़ में भी भव्य तैयारी की जा रही है, इसको लेकर प्रशासन भी सख्त है और सोशल मीडिया पर अगर किसी तरह का भड़काऊ भाषण देने का लोग प्रयास करते हैं तो उन पर भी निगरानी रखी जाएगी। इसके मद्देनज़र जब हमने बाढ़ ASP भारत सोनी से बात किया तो सुनिए उन्होंने क्या कुछ बताया। देखिए, उसमें कुछ जो है बल की मांग हमने की थी मुख्यालय से, तो बल हमको मिला है और उसमें दंगा पार्टी को भी प्रतिनियुक्त किया है। हमारी भी QRT जो है और थाना के भी जो फोर्सेज हैं उन सभी को जो है हम उसमें असेंबल कर रहे हैं ताकि जितने भी सेंसिटिव पॉइंट्स हैं वहाँ पे किसी प्रकार की कोई समस्या जो है उत्पन्न ना हो। और सभी लोगों से ये अपील है कि पीसफुली ही अपना इस तरीके के उसको करें ताकि कोई किसी प्रकार का उन्माद या फिर किसी प्रकार का कोई झंझट जो है वो पैदा ना हो। और अगर किसी प्रकार का कोई विवाद उत्पन्न करने की कोशिश करता है तो प्रशासन जो है पूरी तरीके से उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगा और उसमें किसी को कोई भी संदेह नहीं रहना चाहिए। सर, किसी धर्म को ठेस पहुंचाने संबंधित तमाम सोशल मीडिया पर, उस पर भी विशेष देखिए, लगातार सोशल मीडिया पर हमारी जो है मॉनिटरिंग की जा रही है। मुख्यालय भी इसको मॉनिटर कर रहा है। कोई भी अगर भड़काऊ बातें अगर कोई करेगा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे तो वो उनका जो है उन पे कड़ी कार्रवाई निश्चित है और वो ये इस चीज़ से नहीं बच सकते हैं और ना वो किसी चीज़ का कोई एक्सक्यूज ले सकते हैं। थैंक यू।